देखिए, जो हमने कैंपेन के दौरान जो हमने एक्सपीरियंस किया और जो लोगों का जो है जोश खरोश हमने देखा, और बिलखसूस जो हमने अपने वर्करों का जो बलबला देखा, तो हम बहुत उम्मीद से हैं कि इंशाल्लाह हमें कामयाबी होगी इस इलेक्शन में। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये, आपने देखा होगा कि इस बार वोटर टर्नआउट बिलखसूस कश्मीर में मामूल से बहुत ज़्यादा हुआ, और इसकी यही वजह है कि लोगों का वोट आज एक रिजेंटमेंट के तौर पर है अगेंस्ट व्हाट हैपेंड ऑन अगस्त 5, 2019। तो आपको मालूम ही है कि पीडीपी ऐसी जमात है जो इसकी बहाली की एडवोकेसी करती है, और पीडीपी का मानना है, जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों का मानना है, कि ये जो 370 का एब्रोगेशन हुआ ये एक तरफा हुआ, गलत हुआ, और लोग इससे नाराज़ है। तो इस चीज़ से हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हमारे रिज़ल्ट बहुत अच्छे होंगे। वो तो मैडम ने खुद ही क्लियर कर दिया, आपको तो मालूम है, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो एक र्यूमर था और कुछ भी नहीं। देखिए, आज जो बीजेपी का इलेक्शन टाइम था, इस वक्त हमने देखा कि कोई उनका इलेक्शन का पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं था, मुद्दा नहीं था जिस पर उन्होंने ये इलेक्शन जो है उसके अगेंस्ट, अगर हम इंडिया ब्लॉक का देखेंगे बिलखसूस कांग्रेस का, एक वाज़े मैनिफेस्टो था जिसमें एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल जो बीजेपी गवर्नमेंट ने स्कीमें निकाली थी जैसे अग्निवीर वगैरह, इनको ख़त्म करने की बात की। तो उनका वाज़े तौर पर एक मैनिफेस्टो था, और बीजेपी का कोई ख़ास मुद्दा नहीं था इस इलेक्शन पे। और दूसरा, जो बीजेपी के ये 10 साल गुजरे हैं, तो लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि जो बीजेपी ने वादे किए थे, जैसे 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था पर ईयर, जैसे ब्लैक मनी वापस लाने का वादा किया था, जैसे 15 लाख लोगों के अकाउंट में डालने का वादा किया था, तो ये सारा गलत साबित हुआ। और उसके ऊपर ये हुआ कि जो और वादे उन्होंने किए थे कि इन्फ्लेशन कम होगा, कीमतें कम होंगी, उसमें बदस्तूर इन 10 सालों में इजाफा होता गया, यानी आम इंसान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें ये समझने पर कासिर करते हैं कि थोड़ी बहुत कमज़ोरी तो आ ही जाएगी, बेशक उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अब जो हो गया तो आपको भी मालूम है, सबको मालूम है क्या हुआ। वी हैड टू कम आउट, वी हैड टू गो फॉर इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टी फिर वर्करों की वजह से भी मजबूर हो जाती है। तो बहरहाल ये आपकी बात सही है, मुकाबला तो इन्हीं दोनों में है। लेट अस होप फॉर गुड,